देखते रहिए यूवीएन जीरो एट गुनाचेक योगेश लोधा की रिपोर्ट। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने जिला कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें 250 के लगभग पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को जोड़ने की भी जानकारी दी। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी है जिले की, उसकी बहुत दिनों से कार्यकारिणी पेंडिंग पड़ी थी और वो हम बहुत पहले उसको स्वीकृत करा लाए थे, लेकिन किसी कारण बस हमने उसको घोषित नहीं करी थी, लेकिन आज उसकी घोषणा आप सब लोगों के माध्यम से अब कर रहे हैं, इसीलिए आज ये आप लोगों की को बुलाया है। क्या कारण है कि 6 महीने गुजर गए आपको अध्यक्ष में, फिर 6 महीने तक आपकी कार्यकारिणी घोषित नहीं? उसका कारण क्या था, पहले शहर ग्रामीण दो अध्यक्ष थे, अब उन दोनों ने अलग अलग कार्यकारिणी में बनाई थी अपनी साथ, अब क्या है कि अब एक ही अध्यक्ष है, तो उसके वजह से दोनों के जो लोग थे उसमें पहले उनको सबको समायोजित करना थी और सभी लोगों से संपर्क करने के बाद इसके बाद क्या है कि सभी लोगों से पूछना थी। अब चूंकि वर्तमान में टिकट डिक्लेयर हो गए हैं अपने कांग्रेस के, तो उसमें भी अपने जो प्रत्याशी हैं उन लोगों से भी इस पर चर्चा करना थी कि उनके कोई मनपसंद ऐसे लोग हों, उनके अच्छे कार्यकर्ता हों जो पार्टी के लिए बढ़िया काम करते हों, तो उनको भी उसमें एडजस्ट करना है। तो हमने उसमें और भी गुंजाइश रखी है कि इसके बाद भी अगर हमारे ऐसे लोग और भी निकल के आते हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी उस कार्यकारिणी में एडजस्ट करेंगे, इसीलिए हमने इस कार्यकारिणी को इतना डिले किया है। जबकि कार्यकारिणी का तो हमको स्वीकृति तभी मिल गई थी, और अभी तक हम जो पुरानी कार्यकारिणी थी उन लोगों के माध्यम से ही काम चला रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर, मतलब टिकट जो मिला है इसलिए को लेकर कई मतलब नाराजगी जता रहे हैं कार्यकर्ता, देखो क्या है, उनको संतुष्ट कैसे कर पाएंगे आप? 22 लोग दावेदार थे हमारे कांग्रेस पार्टी, अब 22 में एक को टिकट मिलना था, अब चूंकि लोग आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अब ये थोड़ा बहुत रोज तो उनमें अपने आप आता ही है आदमी में, कब इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनका खर्चा मर्चा ये वो बहुत कुछ होता है इसमें। निर्दलीय प्रत्याशी उतर रहे हैं इसको? नहीं, अब ऐसी तो अभी कोई स्थिति नहीं आई, सभी लोग घर के लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दो दिन में सारे लोग अपने अपने काम पे सब लोग लौटे आएंगे और कांग्रेस पार्टी के जो हमारा जो प्रत्याशी जिसको हमारे हाईकमान ने जो घोषित किया है उसके लिए सब लोग काम में जुट जाए। टिकट ऊपर से क्लियर हुआ, फिर क्या कारण रहा कल आपके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे? देखो क्या है, लोगों को ऐसा वो रहता है कि क्या मालूम अध्यक्ष की रिकमेंड से ही टिकट मिलता है क्या, जो उन लोगों को इतना ही उनके पास सोच है वही हिसाब से उन्होंने सोचा, तो आपकी रिकमेंडेशन से नहीं मिलता क्या? तो क्या है, हमारे पास नाम आए वो पूरे पैनल बना के हमने पूरी लिस्ट बना के ऊपर हाईकमान को सौंप दी कि ये लोग हैं, उसमें हमने क्रम रख दिया कि जैसा जैसा नंबर एक पे कौन है, जो क्रम के अनुसार हमने उनको सब्जी सौंप दिया। अब उसका निर्णय हमारे यहाँ बार बार कई पर्यवेक्षक भी आए, 3-4 लोग पर्यवेक्षक आए, आदरणीय KP सिंह जी आए, टमटा जी आए, भाटिया जी आए, अभी ठाकुर साहब भी आए, इन लोगों ने भी अपनी अलग अलग राय सबसे मिलके इनने भी अपनी राय ऊपर दी है ICC में। अब इसके बाद इन लोगों ने सबने मिलकर फिर वहाँ से भी क्या है डायरेक्ट संपर्क किया, शहर में भी संपर्क किया, ग्रामीण में भी संपर्क किया, जो लोग अच्छे वजनदार लोग हैं जिन लोगों की थोड़ी शहर में और ग्रामीण में अहमियत है उनसे भी पूछा, इन सब चीज़ों के बाद ही ये पार्टी ने निर्णय लिया है। और जो पंकज कलेरिया है वो एक साफ सुथरी छवि का बेदाग लड़का है, बढ़िया पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है। बीजेपी गुना बीजेपी के गढ़ कहते हैं कि बीजेपी की हमेशा सीट आती रही है, तो इसी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नाराज थे, तो आप इस गढ़ को कैसे भेदेंगे और इनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? देखो एक बार बताऊं, पंकज करेरिया का जो टिकट हुआ है ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हड़कंप उसमें आ गए, घबराहट में, उसी घबराहट का नतीजा है कि अभी तक है ना उनकी सूची जारी नहीं हो पा रही, और अभी जो उसमें आ रहा है मोबाइल वगैरह में कि विदिशा और गुना होल्ड कर रखा है उनने, वे बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट ऐसा कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट दिया है कि इससे पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि पंकज का पास ऐसा कोई भी दाग नहीं है कि जिससे वो किसके संबंध में वो कोई चर्चा कर सके, पंकज को बड़े सोच समझ के टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन आपकी पार्टी के दावेदार कर रहे थे प्रेसित जिला कांग्रेस कमेटी गुना की कार्यकारिणी के गठन हेतु प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्राप्त हुआ है,
प्रदेश कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार जिला कार्यकारिणी को संलग्न सूची अनुसार अनुमोदित किया जाता है। कृपया आप जिला पदाधिकारियों के उनके मनोनयन की सूचना देते हुए की गई कार्यवाही से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएं। शुभकामना शायद राजीव सिंह जी उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी और अब ये हमारे पदाधिकारी हैं माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी गुना जिला अध्यक्ष मेहरवान सिंह धारा द्वारा अपनी जिला कार्यकारिणी के निम्नानुसार जिला पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाता है। कुल कितने पदाधिकारी मनोनीत हुए पदाधिकारी कुल संख्या इसमें है।